थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया और मेरी आपसे पहले मुलाकात हुई एक इवेंट पे नाम आपका मैंने काफ़ी सुना था फॉलो में काफ़ी अर्से से कर रहा था और आप में और मेरे में एक चीज़ कॉमन थी कि आप भी एजेंसी रन कर रहे थे मैं भी एजेंसी रन कर रहा था आपकी मास्टर क्लास मैंने अटेंड करने आना था लेकिन मैं आ नहीं सका था तो आज ये हो जाएगा कि एक दो एजेंसी ऑनर्स बैठकर क्या सिस्टम चल रहा है क्या चीज़ें चल रही हैं क्या आपके लिए क्या चीज़ें चल रही हैं मेरे हिसाब से वो चीज़ें इफेक्टिव मेरे लिए थी या नहीं थी तो एक अच्छी दो एजेंसी ऑनर्स की एक अच्छी जो है वो पॉडकास्ट हो जाएगी सबसे पहले पॉडकास्ट को आगे लेके जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन चाहूँगा कि आप कहाँ से हैं आपने एजुकेशन कहाँ से की है और जो आपका ये अंटरप्रन की जो जर्नी थी वो कैसे स्टार्ट हुई आइडिया कहाँ से आया कितने साल हो चुके हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में एक कर ब्रीफी सो आई स्टार्ट बैक इन टू थाउजेंड एंड सिक्स जिसमें आई यूज़ टू वर्क फॉर अ कॉल सेंटर लाइक लाहौर में एक uh, काफ़ी बड़ा कॉल सेंटर है कॉल ओ एक्स तो okay. उसमें uh, डेढ़ दो साल वहाँ पे काम किया एंड देन आई वर्क इन सो दिस कॉल सेंटर वाज अमेरिकन बेस उसके बाद एट नाइन के अंदर आई यूज्ड टू वर्क फॉर अमेरिकन कस्टमर सपोर्ट ऑफिस एज अ कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर उसमें ये कि वो यूज़ टू टेक कॉल्स एंड देन वहाँ से इंग्लिश का जो आपका झाका होता है वो काफ़ी हद तक वहाँ कॉल निकल चुका था सो नॉट ओनली आउट बाउंडस और कॉल सेंटर में होता है कि अक्सर यू हैव टू रीड स्क्रिप्ट लेकिन जब आप कस्टमर सपोर्ट में जाते हैं सो बेसिकली उससे आपका पूरा झाका निकल जाता है एंड देन टू के अंदर आप आई वॉज इंट्रोड्यूस टू दन ऑफ द सॉफ्टवेयर हाउस इन लाहौर जो कि पी एच डी टू एच टी एम एल फोटोशॉप टू एच टी एम एल कन्वर्ट करते थे uh, उसके अंदर मैं सेल्स के अंदर चला गया और कपल ऑफ ईयर्स आई सॉल्ट वर्ल्ड प्रेस आई सॉल्ट एच टी एम एल लाइक की बात टू थाउजेंड नाइन से स्टार्ट हुआ टेन और इलेवन के बिल्कुल स्टार्ट तक अनटिल में सेल्स कर करके थक गया <laughs> और आई एक्चुअली डिट नो वट इज़ एच टी एम एल और वट इज़ वर्ल्ड प्रेस इवन एट दैट टाइम बट 2009 के अंदर मैं एमबीए अपना कंप्लीट कर चुका हुआ था अह वन थिंग व्हिच आई डिड कि इवन दो कि मैं मैंने काम uh, 2006 से शुरू कर दिया uh, मैं पैरेलल पढ़ाई भी करता था अच्छा किस यूनिवर्सिटी से, मैंने से और, किया मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से किया और डिग्री इन मास्टर मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और जो मेरा स्पेशलाइजेशन uh, थी वो लीडरशिप के ऊपर थी और जो मैंने जो थीसिस वगैरह था वो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट पे लिखी थी एनी वेज सो जब मैं 2011 के अंदर आई आई थाट कि थोड़ा सा चेंज होना चाहिए लेकिन तब तक मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कैरियर कैसे बनाते हैं आई के mm -hmm. अंदर तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन uh, टेलिनॉर्ड uh, के अंदर चला गया और उनके क्वालिटी इश्योरेंस के अंदर मैंने काम किया उनकी ट्रेनिंग के अंदर मैंने काम किया और फिर ये कि उनका पूरा डिपार्टमेंट होता था उसके उसके जितने भी मामल थे उसको मैनेज करता था दै वॉज अबाउट लाइक हंड्रेड ट्वेंटी हंड्रेड थर्टी का एक डिपार्टमेंट था mm. जहाँ पे आ, के डिफरेंट कैम्पेंस आके आउटसोर्स होती थी Uh, to तो वहाँ डिपार्टमेंट था वाज no, so मेरा डिपार्टमेंट जो था क्वालिटी इश्योरेंस और ट्रेनिंग से दोनों मिक्स था और आई एक्चुअली यूज्ड टू डू अ लॉर्ड ऑफ पायलट एज वेल सो जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे पास आते थे और ग्लोबल के तो मैं अक्सर उसमें पायलट किया करता था कि उसको सक्सेसफुल करने के लिए सो so, मेरा काइंड ऑफ लाइक मल्टी थी बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर लेकिन कोर जो था वो मेरा क्वालिटी इश्योरेंस एंड ट्रेनिंग था जिसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प आउट हुआ टू अंडरस्टैंड कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम हर ब्लूप्रिंट्स और सारा प्रोसेस कैसे चलते हैं थर्टीन nice. और उसी टाइम पे क्योंकि जो मैंने पिछली जॉब थी उसमें मेरे बॉस ने कहा कि तुमने नहीं छोड़ना hmm. आ, तो आई यू टू वर्क पार्ट टाइम ओवर देयर एज ऑसो नाइन टू सिक्स इन टेन ऑर्डर इन दस ये जो सॉफ्टवेयर हाउस था उसकी बात कर जी सॉफ्टवेयर हाउस की सिक्स टू टेन इन दै सॉफ्टवेयर हाउस एंड देन टन टू वन अदर प्रोडक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउस एज बड़ी एनर्जी थी सो सोलह so, uh, सत्रह घंटे काम कर उसकी वजह से अभी तक आदत पड़ी हुई है जिसको मैं अभी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ hmm. लेकिन वो uh, जो है ना वो एक uh, चीज सेट हो गई थी कि आई टू वर्क लाइक सिक्सटीन सेवनटीन आवर्स अ डे उसका मुझे फायदा भी बहुत हुआ कि नॉट ओनली वो जो एक बिजनेस वाली साइड थी वो बड़ी स्ट्रांग होती जा रही थी और टेक्निकल साइड From product based software house to service based software house. Until 2013 थाउजेंड थर्टीन मुझे याद है कि आ, मेरे जो बॉस थे वो मेरे पे हर चीज़ रिलाई करके जाते थे लाइक like, hmm. जितना भी सॉफ्टवेयर हाउस की एक तो सेल्स मेरे ऊपर थी सारी आ, उसके अलावा जो सैलरीज प्रोसेस करनी है उसकी कैलकुलेशन हैं कोई आ रहा है कोई जा रहा है तो उस सारे को मैनेज मैं खुद करता था छोटा सॉफ्टवेयर हाउस था एक लाइक like, जो प्रोडक्ट बेस वाला उसकी मैं बात कर रहा हूँ सर्विस uh, बेस वाला थोड़ा सा बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस था उसके अंदर मुझे कुछ चैलेंजेस uh, आने शुरू हो गए क्योंकि जब आप सात आठ साल आपको इंडस्ट्री के अंदर हो जाते हैं तो आपके कन्फ्लिक्ट आने शुरू हो जाते हैं सो दॉज अ टाइम कि आई डिसाइडेड कि अब मुझे शिफ्ट uh, कर देना चाहिए आंट्रप्रनरशिप के अंदर सो टू थाउजेंड थर्टीन का जो एंड था देश वेन आई एक्चुअली स्टार्टड फ्री लांसिंग एंड आई वॉज़ लाइक पी ऑफ एट दैट टाइम कि बस मेरी बस होगी अब और मैं जो है ना इनके साथ काम नहीं कर सकता uh,

आ, और आगे फिर फ्री करवाते so, हैं। करो अब अब वो कहानी मैं आपको बताने so, लगा हूँ सो बेसिकली Uh, तब तक मुझे समझ नहीं थी कि एक्चुअली एच टी एम एल रेंडर कैसे होती है या वर्ड प्रेस का सी एम एस कैसे बनता है सो so मैंने एक थोड़ा सा अपनी करियर uh, के अंदर शिफ्ट लेके आया आई डेड सम सर्टिफिकेशन मैंने एच टी एम एल खुद हाथ से की मैंने वर्ड प्रेस खुद हाथ से की मैंने पी एच पी खुद हाथ से की मैंने डिज़ाइन खुद हाथ से किया जब मैंने ये कर लिया तो मुझे मेरी ग्रिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग होगी एंड आई वॉज इन अ पोजीशन कि अगर बेशक अगर मैं खुद नहीं भी करूँ तो आई कुड मैनेजड तो द फर्स्ट थिंग विच आई डेड कि सेल्स जब ज़्यादा हो गई तो फिर मैंने काम को आउटसोर्स करने लग गया दे वॉज अ कम नॉट इन पाकिस्तान बट आउटसाइड पाकिस्तान इन यूक्रेन जिसको मैं आ, अपना पी एच डी टू एच टी एम एल का काम आउटसोर्स करता था प्रोजेक्ट इन टू हंड्रेड डॉलर नाइन डॉलर और वहाँ से फिर मैंने उसको एक्सपेंशन शुरू की और जब प्रोजेक्ट ज्यादा हो गए तो फिर मेरा एक दोस्त मिला उसके साथ मैंने पार्टनरशिप की ही एडिट सनी जो कि हमने एक बड़ा ऑफिस बनाया जोहर टाउन के अंदर uh, पहले गुलबर्ग में बनाया फिर जोहर टाउन में बनाया और फिर टू uh, तक वी वर अबाउट लाइक थ्री इम्प्लॉज uh, सो nice. uh, so एक जोहर टाउन में था फिर मेरे भाई ने भी आके मुझे सपोर्ट किया एंड देन uh, हमने अपना 2018 के अंदर सॉरी uh, 15 के अंदर हमने न्यूयॉर्क के अंदर अपना सेटअप कर लिया था uh, और uh, 18 के अंदर वी वर रैंकड एज़ uh, एक क्लच एक प्लेटफॉर्म है हम लोग टॉप टेन भी उसके अंदर आ गए हमारी बड़ी हाइप हो गई नाइनटीन के अंदर एक सी रिव्यू मैगजी है उसके अंदर भी हमारा मैंशन हुआ उस टाइम तक एच प्रो होती है किस नाम से था आपका एच टी एम एल प्रो एक्जैक्टली सो नाइनटीन के अंदर आके हमारे कुछ आपस में अखिलाफत हुए और ट्वेंटी 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 के अंदर आके हमने हम सारा सिस्टम हमने दोबारा ख़त्म किया और दोबारा ही किया दै वाज़ अ टाइम जो आप मेरे से अभी पहले पूछ रहे थे कि क्या ये सोल है क्या है सो देन आई स्टार्टेड इन 2020 ट्वेंटी सॉफ्टवेयर प्रो जो अभी आप देखते होंगे सॉफ्टवेयर प्रो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और फिर उसके अंदर मैंने चाइल्ड एजेंसीज़ बनाई जो कि ई काम डेवलपमेंट एन वाई सी है एच डी एम एल प्रो भी उसी के अंदर आता है ई कॉमर्स प्रो एक प्लेटफॉर्म है जिस जहाँ पे कोर्सेज़ अपलोड हुए हुए हैं इसी तरह एट एक प्लेटफॉर्म है जो जिसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स हैं कोई ऑलमोस्ट फिफ्टी प्लस uh, uh, इसी तरह लीज डन uh, जो क्या आजकल हम बूट कर रहे हैं uh, uh, काफ़ी लोगों को हम ली uh, जनरेशन सिखा रहे हैं कि एजेंसी में कैसे किया जाता है ये जितने भी कंपनीज़ थी उस सारे को हम सॉफ्टवेयर प्रो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में ले आए सो so, एज ऑफ टूडे ट्वेंटी ट्वेंटी से लेकर आज तक लाइक अबाउट थ्री ईयर थ्री एंड हाफ ईयर थ्री एंड कॉर ईयर्स ये सारी कंपनीज हमने बिल्ड की और मैंने आपको फॉर्मेशन का भी बताया कि कुछ के अंदर आम सोल कुछ के अंदर वी हैव पीपल हु वर्क विद टुगेदर तो इसमें मुझे ये बताएं कि सबसे ज्यादा टाइम क्योंकि मैं भी दो तीन कंपनी चाहता हूँ लेकिन आपको पता है कि एक तो आपकी मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी होती है एक आपका बेबी कौनसेप्ट जिसपा आपका मजा ज्यादा होता है या फोकस सबसे ज्यादा होता है तो अभी आपकी सबसे ज़्यादा फोकस किस कंपनी पे होता है uh, क्योंकि जो मैंने आपकी मास्टर क्लासेस देखी हैं वो ज्यादा तो रिलेटेड होती हैं uh, uh, एजेंसी पे सॉरी एजेंसी पे पे एजेंसी एजेंसी बेस्ड पे होती हैं और लीड जनरेशन पे आप ज़्यादा फोकस्ड होते हैं और ज्यादातर जो बच्चे भी आपके साथ में देख रहे होता हूँ अटैच होता हूँ वो वो एजेंसी ऑनर होते हैं जो लीड जनरेशन जिनका मेजर मसला लीड जनरेशन एग्जैक्ट तो अभी आपका फोकस और आप अभी आप मेजरली किस कंपनी में ज्यादा इन्वेस्ट सो बेसिकली एटी परसेंट जो मेरा बेबी है वो सॉफ्टवेयर uh, प्रो है और ई कॉम डेवलपमेंट एन वाई सी एट द सेम टाइम हम सेम फ्रिक्वेंसी के साथ mm -hmm. दोनों को पेनीट्रेट करवा रहे होते हैं सो द प पर पर्पज़ ऑफ हैविंग डिफरेंट ब्रांड नेम इज़ गोइंग इन टू द नीश सो ई कॉम डिवेलपमेंट डॉट यू एस ई ई कॉम डेवलपमेंट एन वाई सी का जो ब्रांड है mm -hmm. uh, वो यू के अंदर ऑपरेट करता है इट्स अ डी बी ए डोइंग बिजनेस एस अंडर सॉफ्टवेयर प्रो जिसके अंदर यू के जितने भी ई e कॉमर्स के स्टोर्स हैं हम उनको टारगेट करते हैं और uh, उनकी जो डेवलपमेंट और मार्केटिंग को लेने की कोशिश करते, है या करते हैं या हम उनको एग्जीक्यूट करते हैं उसमें उनकी वेबसाइट्स मैनेज करना मार्केटिंग मैनेज करना एड्स मैनेज करना सेल्स जनरेट करना ये सब कुछ आप में जिन्होंने आपकी पूरी ग्रोथ अब पूरी ग्रोथ, ग्रोथ के अंदर मेटेनेंस भी है कोई ऐप बनानी है कोई ए इंटीग्रेट करनी है सो वो ई कामर्स डेवलपमेंट एन वाई और जो मुझे मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड वो नॉन प्रोग्रामिंग है तो मेरा कंफर्ट जोन में आता है हाँ। उसके बाद सॉफ्टवेयर प्रो है सॉफ्टवेयर प्रो इज प्योर कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जिसके अंदर हमारे पास कभी मोबाइल ऐप आ जाती है कभी वेब ऐप आ जाती है आ, आ, ए, और मेजरली आप यूएसए की ऑडियंस को टारगेट करते हैं या पाकिस्तान से भी प्रोजेक्ट्स देते हैं आज से तीन साल पहले हम हा, 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 हम लोग दुबई के अंदर मैं खुद भी रहता था पहले आ, 2019-2020 मैंने दुबई के अंदर जुमेरा के अंदर मैं रहता था और बिजनेस पे के अंदर हमारा ऑफ़िस था आ, लेकिन फिर मैंने उसको रैपअप किया क्योंकि दोनों टाइम जोनस को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था तो so, ये मैंने अपनी मास्टर क्लास में भी बताता हूँ मैं अपनी बुक में भी लिख रहा हूँ कि दे हैज़ टू बी वन आइडियली वन टाइम जोन के जिसको आप मैनेज कर रहे हैं अगर आप ग्लोबल चले जाते हैं या ट्वेंटी फोर सेवन चले जाते हैं वो इतनी बड़ी हैसल होती है सो so, okay. अब येस yes, अब हमने स्ट्रिक्टली नॉर्थ अमेरिकन टाइम जोन के अंदर चले गए हैं ठीक है और सिर्फ उधर ही उसी को टारगेट exactly. वहीं से क्लाइंट्स लेते हैं एक्जैक्टली और अगर कोई किसी और रीजन से आना चाहता है yeah. तो हम उसको बता देते हैं कि ये है हमारा टाइम जोन है अगर आपको समझ आती है तो फील फ्री टू वर्क इन फैक्ट यू हैव टू वर्क इन आवर टाइम जो बिकॉज वी के वर्क इन प्रोबली इन यू टाइम जोन एनी तो इस, इसी वजह से फिर आपके पास पाकिस्तान के तो नहीं होंगे पॉसिबल ही नहीं है पॉसिबल इवन यू के भी मैंने सारे के सारे क्लाइंट्स आई एक्चुअली सॉल्ड दैट कंपनी

आपका जर्नी और मेरा जर्नी ऑलमोस्ट सिमिलर था शायद आप टू थाउजेंड से कर रहे हैं मैं 2009 से कर रहा हूँ इतने सालों के बाद जो आपकी पब्लिक अपेयरेंस हुई है या जो अभी आपका जो ऑडियंस आपकी बनना स्टार्ट हुई है वो मैं इन दो तीन सालों में देख रहा हूँ तो उससे पहले क्यों नहीं था और उसके बाद किस कैसे ऑडियंस कैसे आना स्टार्ट हुई है या आपने पहले काम नहीं किया अभी उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं नहीं ऐसी बात नहीं है टू uh, 2013 से पहले मेरी हसल थोड़ी सी डिफरेंट होती थी मैं उलमा के साथ बैठता था और आई वाज वेरी एक्टिव नॉट इन आईटी बट नॉन आईटी बहुत ज़्यादा एक्टिव था मैं uh, फिर थोड़ा सा कुछ डोमेस्टिक चेंजेस आई और इट टुक मी अबाउट एट years कि मैं अपने आप को संभालता फाइनेंशियली uh, भी आप कह सकते हैं कि मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉग करें अपने सिस्टम प्रोसेस स्ट्रांग करें क्या आपने अगर जितनी भी पब्लिक स्पीकिंग होती है कॉल कॉलेट किया आपने दीन या पाकिस्तान का काम है बेसिकली आप हेल्प आउट करें लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जाके अपना टाइम लगा रहे हैं अपना पैसे लगा रहे हैं और फिर हमारे कोई ख्वाहिशात नहीं होती मैं लोगों को ये नहीं कहता कि मुझे सेरिना में ठहराओ uh, और मेरे लंबे चौड़े जो है ना वो नखरे पूरे करो व इन फैक्ट आई स्पेंड मै ओन मनी आई टेक माई ओन होटल जहाँ भी मैं जाता हूँ और जहाँ पे भी मुझे बिठा देते हैं मैं बैठ जाता हूँ क्यों क्योंकि मेरी वो आ, पीछे से बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट है सो इट टुक मी एट ईयर्स कि मैं एक प्रॉब्लम uh, थी लाइक आई बैक इन 2013 से लेकर 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन तक hmm. uh, कि मैं उसको डीलिंग uh, विद को कर रहे थे फाउंडेशन को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा था और मैंटली भी अपने आप को रेडी कर रहा नहीं। था बट इट्स एक्चुअली माई डी एन ए पब्लिक स्पीकिंग हसल हसल हाँ इस मै डी एन ए और एक तो ये चीज़ फिर दूसरी चीज़ ये है कि समटाइम्स जो हमारी तरह के बिज़नेस मैन होते हैं वो कम्फर्ट जोन में भी थोड़े बहुत चले जाते हैं वेन यू मेक मनी तो फिर आपके रिश्तेदार भी कह रहे होते हैं यार पैसे बना रहे हो तो फिर आपको और चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है आ, लेकिन कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं आपकी तरह के जो कि आके कहते हैं कि हामिद आपकी ज़रूरत है यू हैव नॉलेज पीपल नीड दैट नॉलेज पीपल आर डिप्राइड ऑफ दैट नॉलेज या जो आपका एक्सपीरियंस है या एक्सपोजर है लोगों के पास नहीं है स्टार्ट टेलिंग पीपल एंड दैन आई पर्सनली सॉ सम मेजर गैप्स इन टू द इंडस्ट्री एंड दैट्स रीज़न के मैं uh, बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ आजकल um, और प्रॉब्ली मेरी नीयत है कि इन शाला रहूँगा अभी अनलेस uh, के इतने ज़्यादा uh, कॉपीज़ पैदा हो जाएँ कि वो मेरा काम कर लें uh, एक एक मेजर जो मैंने गैप देखा वो ये है कि माइंड का इशू था माइंड सैट इशू इन के प्रॉब्ली बैक इन टू थाउजेंड सिक्सटीन से लेकर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू तक ई uh, कामर्स e की भरमार थी yeah. और उसके अंदर जो स्मॉल मशरूम फ्री लांसर्स थे वो इतने ज़्यादा थे Uh, और मेरे लिए नंबर बहुत ज्यादा अलार्मिंग था कि 10 से 15 लाख फ्रीलांसर <coughs> आपके इस टाइम मौजूद हैं जिनका एकटेड रेवेन्यू ऑफ एक्सपोर्ट 0.4 बिलियन डॉलर है दैट वाज दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी अलार्मिंग नंबर इन फैक्ट अगर कोई अच्छी आई कंपनी होती है तो इस तरह की प्रॉब्बली तीन चार सौ कंपनीज अगर होंगी तो वो इसके करीब पहुँच जाएंगी अगर उसको सेवन फिगर पर जा रही हूँ दैट वॉज अलार्मिंग नंबर और जब मैंने उसको डीप डाउन जाके देखा तो मैंने आ, कुछ इन्फ्लुएंसर्स से बात भी की मैंने कहा ये लड़के पाँच सौ हज़ार से ऊपर क्यों नहीं आते क्या इशू है इनका क्योंकि जब मुझे याद है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे से तो लाइक आई कूडन डू फ्रीलानसिंग मोर देन एन ईयर पॉसिबल ही नहीं था मैंने कहा इनका मसला क्या है कि अगर आप फ्री कर रहे हैं तो आप भी पाँच पाँच साल हो गए हैं इन लोगों को और फिर वहीं पर अड़े हुए हैं और फिर इनका छोटा सा माइंड है फिर ये लोग लड़ते हैं एक दूसरे से फिर इनकी कम्यूनिकेशन नहीं है हमें आके बैठते नहीं हैं इनको उठने बैठने का वो जो वो होता है ना कि आप ऑफिस में काम करते हैं तो आप लीडरशिप होती है प्रोफेशनलिज्म आता है उस पर के भी इश्यूज़ थे तो देन आई रियलाइज्ड के कोई बात करने वाला शायद उस टाइम नहीं था गाइड करने गाइड करने वाला उस टाइम नहीं था जो कि प्रॉपरली उसको गाइड करे क्यों उसकी उसकी भी रीजन मुझे यह समझ आई कि जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे वर फुलफिल्ड बिल्कुल ये <coughs> सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ सेम जो आप बात कर रहे हो ना मेरे साथ भी हुआ कि मैं अपने बिज़नेस <coughs> पे जब फोकस था स्टार्टअप रन कर रहा था कॉमर्स रन कर रहा था साथ अपनी एजेंसी रन कर रहा था तो उसे उस टाइम पीरियड में अंदर के अंदर आपको एक टाइम नहीं मिल रहा था और अब जब आप yes. जब आप कमा रहे हो तो आपके इस चीज़ पर फोकस नहीं आता तो मेरे साथ हुआ ये था कि टू में कि ट्वेंटी में ट्वेंटी में मैं रैंडमली मतलब आपको आप आ, खुद आंट्रोपन्यू रात को आपको ना बहुत ज्यादा थाट्स आती हैं बहुत ज्यादा आपकी ज्यादातर क्लैरिटी या ज्यादातर चीज़ें जो फंसी होती हैं वो रात को आपको ऐसे ही है तो वो बैठ कर जो सोच रहा था तो उसको लिख लिख लेता था और रैंडमली पोस्ट कर देता मतलब महीने में कोई एक आध चीज़ पोस्ट कर दी जो एजेंसी से रिलेटेड हो ई कॉमर्स से रिलेटेड हो तो मेरा क्या हुआ, आप हुआ कि आपको ट्रैक्शन आने शुरू हो हाँ कि वो, वो उसके हाँ दो सौ लाइक दो सौ शेयर पाँच सौ शेयर्स हो गए आजाद उस टाइम जो आपको पता था वो लोगों को नहीं पता, नहीं पता, था।, पता था तो उससे मैं कभी भी इस इंडस्ट्री में पब्लिक स्पीकिंग में नहीं आना चाह रहा था या मैं कभी भी इस इस तरफ नहीं था कि अच्छा मेरा या कॉमर्स में मेरा नाम होगा या मेरी एजेंसी और मेरी फॉलोइंग होगी और मेरे मैं होंगे और ये लेकिन वो क्या हुआ कि मेरे चार से पाँच जब स्टेटस वायरल हुए उसमें एक ई e कॉमर्स था कि अगले ई e कॉमर्स e का अगले तीन साल डिजास्टर है और उसमें मैं यही चीज एक्सप्लेन कर रहा था कि माइंड नहीं है विजन नहीं है hmm. जो वो बच्चे जो फ्री स्टार्ट की दो में फ्री से उनका और उनके पास वो स्किल सेट और वो माइंड सेट उस तरह नहीं बना उन्होंने देखा अच्छा अमेजोन चढ़ रहा है वही फ्री लांसर उठ के अमेजोन पर भाग गए अमेजोन hmm. एक दो साल तीन साल बूम पे रहा जैसे ही उन्होंने देखा कि यार अमेजोन पे भी वो पंदा कमा रहा है जो ऑलरेडी पीछे से अमेजोन करके आ रहा था जिसके पास माइंड सेट है, है जिसका बिजनेस माइंड सेट है और जो उस इंडस्ट्री देखें उसमें एक चीज़ और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं उनको ये समझाता हूँ कि जो चीज़ पीक पे जा रही हो बूम पे जा रही हो वो अपने के हर बंदा अमेजोन 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 कर रहा है तो अपने पीक के ऊपर है आप पीक वाली चीज़ में एंटर होगे तो कभी भी अपना नाम या अपनी बिजनेस या वो ग्रोथ नहीं ले सकोगे उसमें भी वो बंदा ग्रोथ लेता है या वो बंदा अच्छे पैसे कमाता है अच्छी सक्सेस कमाता है जो इस इंडस्ट्री में छः सात साल आठ साल गुजार कर आ चुका है आ, आपने वो जर्नी देख ली हुई थी ना हाँ जी तो उसके बाद मुझे आइडिया था कि ये अमेजोन वाले जैसे ही यहाँ से इनका काम नहीं बनेगा और ये इंडस्ट्री बैठना स्टार्ट होगी सारे मूव होंगे लोकल ई कॉमर्स की तरफ जब ये लोकल ई कॉमर्स में आएंगे तो ऑब्वियसली डिजास्टर होगा कि आपका डेढ़ लाख बंदा अमेजोन से फ्री होकर लोकल ई कॉमर्स में आएगा और सेम चीजें सेम मिस्टेक्स रिपीट कर रहा है अपना आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी लो है सेल्स के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है कस्टमर के ऊपर फोकस्ड ही नहीं है कस्टमर को एक चीज़ भेजी वो चीज़ गलत थी कस्टमर आपको आ, मैसेज करता है कि मेरी चीज़ गलत पहुंची है और आप उसको ब्लॉक कर देते हैं देखें सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ आप बिजनेस करने जा रहे हैं बट आप बिजनेस पढ़ते नहीं है दैट्स द इशू आपने अमेजोन तो पढ़ ली बिजनेस कहाँ पढ़ा आपने वही बात है ना कि हम असल में यूथ का जो मैंने मेजर मसला उस टाइम फ्रेम के अंदर निकाला था वो ये था कि उनका माइंड सेट सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने पे कि मेरा किचन मनी लाख रुपए महीने का बन जाए मैं खुश हूँ वो किसी भी तरीके से बने इस तरह तो आप अनएथिकली कितने हजार काम है हैकिंग भी है फिर फिर आप हैकिंग भी कर लें पैसा तो हैकिंग में भी है। exactly. लेकिन उस एक लाख को बनाने के लिए भी आपको एक माइंड सेट एक विजन चाहिए होता है कि मेरा बिजनेस प्लान क्या होगा मेरी पैसों जो इन्वेस्टमेंट होनी उसकी फॉरकास्टिंग कैसी होगी मेरी कस्टमर सर्विस क्या स्केल होगी स्केल कैसे करना है रोस कैसे कैसे है। है टीम को लीड करना है? काफी ज़्यादा चीज़ें मैंने मार्केटिंग कैसे करनी है मैंने ग्रोथ कैसे लेना है अगले तीन सालों में मैंने अपनी कंपनी को अपनी कॉमर्स e स्टोर को अपनी स्टार्टअप को अपनी एजेंसी को तीन सालों तक देख कैसे रहा हूँ और उसके लिए मेरा प्लान क्या है ये चीजें पे काम नहीं करते आप बेच रहे हैं प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट आपका बिक रहा है वही प्रोडक्ट कॉपी पेश किया बेच दिया और आठ नौ महीने बाद जब स्टोर बंद होता है तो ब्लेम उसको किया जाता है मैंने उसका कोर्स लिया था उसने सही तरह hmm. पढ़ाया नहीं मैंने hmm. उससे ट्रेनिंग ली थी उसने सही तरह गाइड नहीं किया इस वजह से मैं नहीं चल रहा हम अपनी गलती नहीं मानते तो खैर ये तो एक डिस्कशन में अलहदा उस अबाउट दैट so, right कि देर वॉज अ माइंड अच्छा मैं uh, जो आंटरपोनर्स भी शायद ऐसे सोचते होंगे यार जो उनको पता है वो शायद लोगों को पता होगा इट्स एक्चुअली रॉन्ग लोगों को नहीं पता होता सो वन थिंग विच आई डेड कि मैंने जो मेरा वो नॉलेज था अबाउट टेक्निकलिटीज़ या स्पेशली अबाउट द बिजनेस तो मैंने उसको ओपनली बांटना शुरू कर दिया ठीक mm -hmm. है अच्छा एक तो ये दूसरा आ, फ्री का बैलेंस आउट करने के लिए आ, क्योंकि फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी और मुझे उसका इम्पेक्ट नज़र नहीं और मुझे पर्सनली लगता है कि उससे आपकी पर्सनैलिटी भी फारिग हो जाती है आ, तो और आई पर्सनली थिंक कि आपको या तो किसी बड़ी कंपनी में जाके कर सी लगना चाहिए या अपनी एक बड़ी एजेंसी बनाए जहाँ पे अपने बंदे आपके होने चाहिए अगर आप अकेले काम करेंगे बिल्कुल अकेले बैठ के किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे तो साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आपको आ जाएंगे आप और मे इसके ऊपर सेम पेज के ऊपर हैं कि अगर आप आप इंडिया की मार्केट देखें तो इंडिया की मार्केट में अगर वो बंदा पहले किसी कंपनी में सी होगा सीईओ होगा सी होगा सी होगा मैनेजेरियल पोजिशन तब तक जब वो पहुंचते हैं उसके साथ अपना बिजनेस प्लान डेवलप कर exactly. चुके होते हैं वो सारी प्लानिंग दो तीन साल उसमें प्लानिंग कर चुके होंगे। अगर उसने कोई स्टार्टअप लॉन्च भी करना है तो स्टार्टअप क्या होगा प्रोडक्ट क्या होगा फंडिंग कहाँ से आएगी मार्केटिंग कैसे होगी Uh, जितने भी तीन साल चार साल अगर मैंने मार्केट में सर्वाइव भी करना है तो वो सर्वाइव कैसे करना है और चार सालों तक मैंने इसको स्केल करके ले जाना कहाँ पे? सो so, एक तो ये चीज़ थी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले डेढ़ साल में जितना भी काम किया है तो इवन दो कि मैं उसको के पी मेजर नहीं कर रहा होता कि यार तुम मेरे रिव्यू दो जाके तुम जाके आई डोंट लाइक दिस स्टफ मैं जब जा पब्लिकली जाता हूँ जिसको समझ आ जाए ठीक है जिसको नहीं आया अल्लाह के हवाले सो बट आई सो आर माइंड शिफ्ट आपने देखा कितनी ज्यादा अट्रैक्शन मिली uh, के पीपल आर चेंजिंग द माइंड सेट नाट द टॉक कि मैं अभी सरगोदा गया हुआ था मैंने उनसे पूछा मैं डी डी यू वॉन्ट टू गो विद द शॉर्ट टर्म माइंड लॉन्ग टर्म माइंड लॉन्ग टर्म माइंड सेट आई ना वॉज अमेज क्योंकि वो मुझे पढ़ के आए हुए थे सारा सो इट्स एक्चुअली वर्किंग आउट सो बैलेंस होना शुरू हो गया बैलेंस होना under. स्टार्ट हो गया मज़े की बात ये है कि मैंने तो दो हज़ार बीस में आ, और मैं इसी बात पर काम ज़्यादा मेरी ई e कॉमर्स की ट्रेनिंग्स होती हैं लेकिन मैं उस ई e कॉमर्स में भी जो ट्रेन कर रहा था वो माइंड के ऊपर विजन के ऊपर थ्री टू फोर ईयर्स फाइव ईयर्स आपने प्लान करके अपना स्टोर या अपना ब्रांड लॉन्च करना है तो कैसे करना है प्रोडक्ट्स कैसे सेलेक्ट करने हैं उनको स्केल कैसे करना है फंडिंग कैसे उठानी है पाकिस्तान में दूसरा और मेजर इश्यूज़ मैंने स्टार्टअप इंडस्ट्री में भी देखा है स्टार्टअप में नहीं होता स्टार्टअप में तो आपको पता है वो चलते ही फंडिंग के ऊपर है तो प्रोडक्ट फोकस प्लस फंडिंग फोकस इन दो चीज़ों पर फोकस्ड होता है जो ई e कॉमर्स में है या स्टार्टअप में है या ई e कॉमर्स में है <coughs> या एजेंसी मॉडल में वो ये समझते हैं कि मैंने इसी कॉमर्स से जो पैसा आ रहा है वो मेरा प्रॉफिट है वो hmm. मैंने खाते जाना है ही है तो उसमें मैं उनको यही चीज समझाता हूँ कि बड़ी से बड़ी कंपनी आप उठाओगे उसमें एक सैलरी होती है अ exactly. सीईओ अगर आप उसमें वर्किंग सीईओ तो आप सैलरी फैच करते हो और उसका सिक्सटी परसेंट प्रॉफिट सेवेंटी परसेंट प्रॉफिट एटी परसेंट प्रॉफिट आप री करते, करते जाते हो एक चीज और वो भी आप इस तरह री इन्वेस्ट करते हो कि आपने एक विजन होता है कि यार मेरी कंपनी की जब वैल्यू दस करोड़ हो जाएगी जब मेरी कंपनी की वैल्यू पंद्रह करोड़ हो जाएगी उसकी बेसिस के ऊपर मैंने इतनी फंडिंग रेज करनी है दुनिया का कोई स्टार्टअप उठा लें जो आज बड़े अच्छे लेवल है कोई छोटी एजेंसी उठा लें जो अच्छे लेवल के ऊपर है या छोटा स्टार्टअप उठा लें वो फंडिंग के बगैर ग्रोथ नहीं ले सकता फंडिंग इंपॉर्टेंट है।, है बड़े से बड़ा ब्रांड हो जाए बाइकिया हो जाए करीम हो जाए फूड पांडा हो जाए ऊबर हो जाए आपका कोई इतने मैस लेवल पे फंडिंग के बगैर आ ही नहीं सकते नहीं तो? आ सकते तो अगर आपने ग्रोथ लेनी है तो आपको फंडिंग चाहिए और वो और लोग लो इस वाली इंडस्ट्री में ई e कॉमर्स में खास तौर पर और आ, हमारी पे तो आप में, आपको फार्मूला चाहिए ना वंस यू हैव द फार्मूला यू जस्ट नीड टू पुट द सीड एंड स्केल फ्रॉम देयर ऐसे सीड फंडिंग उठानी है फिर सी ए करनी है फिर सी डी बी करनी है आई पी ओ करना है क्योंकि ये विजन होगा तो आप ग्रोथ ले सकते हो पाकिस्तान में ये कि मैक्सिमम लोग ये समझते हैं ई e कॉमर्स में भी जिस जिसपे मैं फिर उनको समझाता था कि आप अगर इस पर फोकस रहोगे ना मैंने बेचना और प्रॉफिट कमाना है आप कभी स्केल नहीं कर सको आप कभी भी इसको बड़ा नहीं कर सकोगे आपका जब माइंड सेट ये होगा ना कि मेरा मैंने इन्वेस्टमेंट उठानी है जब आप इन्वेस्टमेंट का माइंड सेट रखे आओगे तो आप प्रोडक्ट अच्छा लॉन्च करोगे आप उसकी मार्केटिंग प्लान अच्छे अच्छे बनाओगे अपनी फॉरकास्टिंग अच्छी करोगे अपना प्रॉफिट को री करोगे क्योंकि आपको पता है कि ये री होगा तो मुझे मेरा ब्रांड इंक्रीज करेगा या मेरी कंपनी की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो तब मुझे फंडिंग मिलेगी अगर आप इसी चीज पे फोकस ना लाख रुपया डेढ़ लाख रुपया प्रॉफिट बनाना है घर चलाना है प्रॉफिट बनाना है घर चलाना है अगले पांच साल जो आप बात कर रहे थे आठ साल हो चुके हैं लोगों को फ्रीलांसिंग लांसिंग exactly. में सेम लूप में, में। सेम लूप में क्योंकि वो माइंड सेट ही सत्तर हजार रुपये महीने का कमा एक लाख रुपया महीने का कमाने वाला है तो अगर मैं आज सोचता हूं कि यार मैंने लाख रुपया महीने का बनाना है तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी अपनी प्लानिंग

सर्विस साइट से लेट से कि मैंने अभी अगेन में सर गा गया मैंने उनसे पूछा है कि अगर आप लोग 2000 डॉलर की एक बंदे को सेल कर सकते फॉर एग्जाम्पल आप वर्ड प्रेस का की एजेंसी है सिंपल हम इतना ब्लॉक चेन पर नहीं जाते लंबे चौड़े सिस्टम पर नहीं जाते मैंने कहा एक बंदे को आप दो डॉलर पर तो आपको बेचना चाहिए देट वुड बी अराउंड कितना बारह डॉलर हाँ बारह डॉलर पर आवर Uh, बारह डॉलर पर आवर पे गोरा हंस के आपको काम दे देता है uh, पाकिस्तानी को भी दे देता है तो मैंने उनसे अर्ज किया कि अगर वो दो हज़ार डॉलर में बिक रहा है तो हाउ अबाउट हाँ कि आप अपनी सेल्स टीम को इतना अच्छा कर लें कि कोई चालीस के करीब बंदे बेच दें ठीक है चालीस के करीब अगर आपने बंदे बेच दिए तो देट वुड बी अराउंड एटी थाउजेंड डॉलर या लट्स से अगर वो बयालीस बंदे एटी फोर थाउजेंड डॉलर विच एक्चुअली इक्वल्स टू इंटू टन मिलियन डॉलर Hmm. तो मैंने कहा आपको प्रॉब्लम क्या है कि आप क्यों सोचते हैं कि आपने बस दो तीन बंदे चार बंदे ही करने हैं एंड वाई यू थिंक अबाउट दिस नंबर्स अच्छा वंस यू अचीव दो नंबर लेट्स एटी थाउजेंड डॉलर्स मंथ है ठीक है तो आप उसको अंदर अगर आप उसके अंदर नेट प्रोफि अगर ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट भी निकाल रहे हैं सो देट्स कैन बी अबाउट लाइक ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर्स सॉरी फिफ्टीन थाउजेंड डॉलर्स टू सेवनटीन थाउजेंड डॉलर्स आपका नेट प्रॉफिट निकलता है तो अगर आपने नेट प्रॉफिट पंद्रह हज़ार सतारह हज़ार डॉलर निकालना है विच इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट पैंतालीस से पचास लाख आप वाली बात सो so अगर आपकी एजेंसी इसके ऊपर है कि आप सेवन uh, फिगर पे हैं और आप पैंतालीस से पचास लाख अपना प्रॉफिट करना चाहते हैं तो फिर वही आप वाली बात कि आपको आपको जो माइंड सेट है वो डिफरेंट चलना शुरू हो जाएगा ऐसे ही ठीक है काम अभी भी आप कर रहे हैं काम आप पहले भी कर रहे थे बट इज जस्ट अ माइंड सेट शिफ्ट एंड आई हैव सीन पीपल ग्रोइंग आईव सीन पीपल मैंने उनको कुछ डॉक्यूमेंट दिए कुछ माइंड सेट अपडेट की भी बात की दे वर लाइक ट्वेंटी थाउज़ेंड डॉलर्स टक एंड नाउ दे आर मेकिंग लाइक एटी थाउजें डॉलर हंड्रेड थाउज़ेंड डॉलर्स एज वेल अहमद ला ठीक है सो इट्स इट्स अ माइंड माइंड सेटशिप सो एक चीज़ तो हमने ये की कि दे वॉज अ रीज़न के मैं वापस कम्यूनिटी mm. uh, को बैक करना शुरू कर दिया सेकेंड थिंग वॉज के हमारे जो आपको पता है अमेजान के अकाउंट्स वगैरह बंद हुए एट एवरी स्टेप ऑफ द रोड हर पाकिस्तान ये कहेगा एजेंसी ऑनर के यार मैंने पाकिस्तान में काम नहीं करना पाकिस्तान में काम नहीं करना क्यों नहीं, करना? क्यों नहीं काम करना प्रॉब्लम इसके वहाँ पे इंटेग्रिटी इश्यूज हैं वो इतना मेजर इशू है कि वो तो आई है या नॉन आई है हमें आपको पता है कि एथिकल इश्यूज यहाँ पे आते हैं सो दॉज दॉज इन माई डी एन एज वेल कि मैंने उसके ऊपर काम करना है और मुझे लगता था कि जो मा हैं उसको उनको

Hmm. Uh, so उसको मैंने सोचा है कि इसका ये जो एक हमारा माइंडसेट है उसको अपडेट करना चाहिए और सिर्फ इसको अपडेट करने की वजह से क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आप स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं वहाँ पर टेक्निकल स्टडीज लेके आते हैं प्रॉब्ली uh, आप एम बी ए तो कर लेंगे लेकिन अच्छा इंसान कौन बनाएगा hmm. मस्जिदों में आप जाते नहीं तो अच्छा इंसान बनने के लिए आपको प्रॉब्ली उनकी हेल्प रिक्वायर्ड है एट एवरी स्टेप ऑफ द रोड सो दॉ दिस वॉज द सेकेंड रीज़न कि मैं हसल के अंदर आया आई वॉन्ट इट के uh, uh, हम अपने इन्फ्लुस को यूज़ करें और जो हमारे गैप्स हैं उसको कवर किया जाए hmm. सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ uh, मेरी जो ऑडियंस बैठी है जो आज की पॉडकास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझना चाह रही है जो सीखना चाह रही है हमने एटी थाउजेंड डॉलर की तो बात की लेकिन एक एक स्टार्टअप है, एक एजेंसी है जो पाकिस्तान में पचास हजार साठ हजार रुपये का तीस हजार रुपये का क्लाइंट लेती है ठीक है और उसने स्केल करना है लेट सपोज फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ का एक क्लाइंट लेती है एग्जांपल uh, 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 बनाने, बनाने, hmm. दे रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे कोट कर रहा हूँ वो फिर तो दस क्लाइंट्स उनके पास पाँच लाख रुपए गया मुझे सिर्फ एक आपसे रोड मैप चाहिए कोई पॉइंट्स चाहिए कि एक एजेंसी अच्छी तरह बनाने के लिए क्या फाउंडेशन होनी चाहिए सेवन फिगर्स की जो आप बात करते हैं वो कैसे अचीव करें उसको स्केल कैसे करे जीरो से कैसे स्टार्ट करना अगर आज मैं जीरो हूँ मैं एजेंसी रन करना चाह रहा हूँ तो मेरी फाउंडेशंस क्या होनी चाहिए स्टार्टिंग में मैंने कैसे लेकर चलना है मिड मेरा क्या होगा कौन से पॉइंट्स हैं जिनको मैंने अपने माइंड में रखना है अपने बिजनेस प्लान में रखना है उसके ऊपर एजेंसी को स्टार्ट करना है और एंड जो uh, मेरी एग्जीक्यूशन है इस तरह एग्जीक्यूट करना है परफेक्ट थैंक यू अच्छा हम थोड़े से रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं ठीक है अभी हमने जो आपने मेरी जर्नी सुन रहे थे तो लेट्स गो बैक टन ईयर्स दस साल पीछे चले जाए ठीक है स्टार्ट कैसे हुआ uh, सबसे पहली चीज़ तो मेरी जो बैकग्राउंड था वो अच्छा था सो so, मेरी ये गुजारिश है कि अगर आपने अंट्रप्रनरशिप करनी है तो उससे पहले बैकग्राउंड अच्छा रखें एक तो ये चीज़ बैकग्राउंड का मतलब एजुकेशन एक्सपोयर एंड एक्सपीरियंस ठीक है ठीक है जॉब्स आपको जॉब्स कर लें ट्रेनिंग्स ले लें अच्छी किताबें पढ़ें बिजनेस को समझें बिजनेस करने जा रहे हैं ना तो बिजनेस को बिजनेस पढ़े बगैर नहीं हो तो पहला पॉइंट हमारे पास आ गया आपका एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर किसी और कि आप हाँ जाके आ, या किताबें पढ़ के आ, आपको हासिल करना चाहिए बिजनेस को समझ करने के लिए बिजनेस समझना एग्जैक्टली exactly. ठीक है अच्छा फिर आपने जो जंप इन किया है सो डो नॉट जंप इन एज अमन द फर्स्ट थिंग विच आई डेड वेन आई स्टार्ट फ्री लांसिंग आईन सेल हामिद महमूद आई सॉल्ड एच डी एम एल प्रो मेरी जो पहली सेल uh, थी वो एच डी एम एल प्रो डॉट नेट के थ्रू हुई थी ठीक है एंड वैन यू सेल थ्रू अ ब्रांड इवन तो कि हामिद महमूद ही पीछे बैठा हुआ था yeah. और प्राउबली एक दो वेंडर्स से जिन्होंने एग्जीक्यूट करना था लेकिन जो काम देने वाले थे दे था कंपनी yeah. विच इज़ फाइन विच इज़ फेयर तो उसके ऊपर सेल्स ज़्यादा हो गई yeah. और क्योंकि ग्लैड कि मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं करता था काम को तो शायद आज भी मैं भी उस साइकिल के अंदर फंसा होता तो आपने सो वड आई डेड के सेल्स में जनरेट कर रहा था तो फर्स्ट थिंग आई डेड के मैंने एच टी एम एल का एक रिसोर्स रख दिया एक वर्ड प्रेस का रख लिया एक डिज़ाइनर रख लिया सो इनिशली अगर आपके पास सेल्स का बंदा आप खुद सेल्स नहीं कर सकते इनिशियली तो आप सेल्स का बंदा सबसे पहले रखें सेल्स का बंदा रख के एंड देन यू हैव टू डेलीगेट योर टास्क टू प्रोबली आपके जिस जो भी एग्जीक्यूशनस्ट हैं आप इन योर केस कुट भी सोशल मीडिया का बंदा जो सोशल मीडिया कर रहा है वीडियो एडिटर uh, जिस चीज़ की भी एजेंसी है ठीक mm -hmm. है सो स्टार्ट स्मॉल एट द सेम टाइम अच्छा इसमें जो आपने पॉइंट बताया वो पॉइंट ये है कि इज़ अ फ्री लासर अपना नाम यूज़ करने के बजाय आप पहले दिन से ही एजेंसी ऑनर को अपना नाम यूज़

अच्छा एक तो ये चीज़ होगी अच्छा आ, उसके बाद आ, काम कैसे पकड़ना है पूरी मेरी मास्टर क्लास है लीड जनरेशन के मेथड्स हैं बट क्विकली अगर आप बहुत अर्ली स्टेज़ पे हैं तो इट्स ओके टू तो गो थ्रू अपवर्क फाइवर में इसलिए नहीं कहता कि फाइवर में बहुत छोटी गिग्स होती हैं और फिर आपका इट डजन वर्क एज़ एग्रेसिवली एज़ अपवर्क सो आई वुड से कि आप अपवर्क वर्क पर जाएँ वहाँ पर अपनी अच्छी प्रोफाइल करें और आपकी जो मास्टर क्लास है लीड जनरेशन पे वो अपवर्क के थ्रू भी लीड जनरेशन सिखाती है या थ्रू सोशल मीडिया लीड जनरेशन

कंपनीज़ के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है लीड को जनरेट कैसे करना है लीड को कन्वर्ट कैसे करना है अगर उसको ये तरी ये चीज़ पहले दिन से अगर सेल सबसे से पहले कि लीड आनी कैसे है कन्वर्ट भी बात की बात है तो रिवर्स इंजीनियरिंग हम कह रहे थे अच्छा सो तो उस टाइम पे ईला होता था लट से आप आज हैं तो आज अपवक पे आपको लीड जनरेट करें उसके ऊपर लीड जनरेट हुई आपके पास क्लाइंट आया आपने उसको क्लोज करना मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी सो so, एक और मेरी सजेशन ये है कि वर्क ऑन योर इंग्लिश वर्क ऑन द कम्युनिकेशन यू हैव टू स्पेशली अगर आपने पहले पाकिस्तान की बात की इट्स ओके टू वर्क इन पाकिस्तान बट इट्स बेटर टू वर्क आउटसाइड पाकिस्तान जिसमें आप अपने सर्विसेज uh, को एक्सपोर्ट कर सकें एंड गेट द मनी इन डॉलर्स एंड इफ़ यू हैव टू रेंडर योर सर्विसेज आउटसाइड पाकिस्तान लेट्स से Pakistan, say, uh, तो फिर आपकी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए ऑफ कोर्स उनको उर्दू तो आपके तो पास आप जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, उस तरह का रिसोर्स होना चाहिए या जिसकी इंग्लिश अच्छी है उस तरह का रिसोर्स होना चाहिए खुद आ जाए तो ज़्यादा तो अच्छा है क्योंकि mm. जो चीज़ एज एज एन आंटरप्रोनर मेरे पास ये लिस्ट पड़ी हुई है कोई तीस चीज़ों की mm. जिस चीज़ में भी आप वीक हैं उसमें आप हमेशा पैरालाइज रहेंगे एज एन आंटरप्रोनोर सो एज एन आंटरपनोर यू हैव टू यू नो मेक योर सेल्फ स्ट्रांगर एवरी डे एंड कम्युनिकेशन इज़ ऑफकोस द नंबर वन थिंग अगर कोई प्रोजेक्ट खराब हो गया तो हाउ वुड यू कम्युनिकेट विद योर क्लाइंट Uh, किसी ने आप पे केस कर दिया है कोई प्रोजेक्ट ख़राब हो गया है कोई आपको क्लोजिंग करनी पड़ रही है ए लॉट ऑफ द टाइम इट हैपन्स डेट वो हेल्प हेल्प मी एज वेल इवन टूडे कि जब मेरी टीम स्टक हो जाती है तो मुझे खुद जाके या तो वो प्रोजेक्ट डिलीवर करना पड़ता है या मुझे क्लाइंट से बात करके उसको कन्विंस करना पड़ता है या वट hmm. अच्छा सो so, अपवर्क पे थे हम अपवर्क yeah. से हमने ली जनरेट की और हमने प्रोजेक्ट आया प्रोजेक्ट आके हमने उस टाइम पे आउटसोर्स कर दिया इनिशियली जब और फिर मैंने कुछ रिसोसेस रखे और फिर मैं अपने रिसोर्सेस को देना शुरू कर दिया जब मैं अपने रिसोर्सेज को देना शुरू कर दिया तो फिर मैंने उस टाइम पर प्रोजेक्ट आउटसोर्सिंग खत्म कर दी अंटिल के uh, दिन में उस टाइम पे चार पांच लीड्स आ जाया करती थी छह लीड्स आया आया करती थी और एक आधा प्रोजेक्ट कोई दिन में डेली क्लोज हो जाता था तो so स्लोली आपका जो रेवेन्यू है वो कोई पाँच हज़ार डॉलर दस हज़ार डॉलर पे जाना शुरू हो जाता है uh, अगर आप चाहते हैं कि आपकी एजेंसी की ग्रोथ तेज़ी से हो तो फिर सेल्स ज़्यादा कर लें तो मैंने क्या किया कि मैंने ऑलमोस्ट uh, उस टाइम पर सात आठ रिसोर्सेज सेल्स के रख लिए अंडरस्टैंड राइट सात आठ रिसोसेस सेल्स के अगर रखे हैं तो इसका मतलब है कि दिन में कोई लीड्स आपकी दस से बारह हो जाएंगी फाइबर के थ्रू किसी अपवर्क के थ्रू अपवर्क के थ्रू भी और उस टाइम पे क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा स्किल है कॉल सेंटर्स के अंदर हुँ. सो कोल्ड कॉलर्स भी उस टाइम बैठे हुए थे जो कि कॉल्स किया करते थे ई मेल मार्केटिंग के अंदर मेरी उस टाइम भी काफ़ी ग्रेप थी ई मेल मार्केटिंग भी किया करते थे उसके अलावा Uh, जो है वो डी एम मार्केटिंग या कम्यूनिटी मार्केटिंग भी हम किया करते थे सो so ये चार चार पाँच मैथड्स थे जिससे हमने स्टार्ट किया को हाँ, उस टाइम पे उससे हमने स्टार्ट किया तो जब वहाँ से आते थे ऑफकोर्स अगर आपके सात बंदे बैठे हुए एक्सपेक्टेड टू हैव लाइक प्रोबली टेन टू ट्वेल्व लीड्स ठीक है टेन टू ट्वेल्व लीड्स अगर आ रही हैं आपको तो ऑलमोस्ट दो तीन सेलें क्लोज हो रही हैं तो अगर आपकी दो तीन सेलें क्लोज हो रही हैं और फिर आपके रिटेनर्स भी बनते जा रहे हैं तो फिर आपकी आपको टीम बढ़ानी पड़ेगी सो उसके लिए मुझे एचआर और अकाउंट्स का शुरू में एक बंदा रखा जो कि अकाउंट्स भी मेरे देखती थी और साथ हायरिंग भी हमें करके देती थी और फिर जब आहिस्ता आहस्ता हम मजीद ग्रो किया तो हमने अकाउंट्स का अलहदा कर दिया एच आर का अलहदा कर दिया सो एच आर का बंदा या बंदी बेसिकली हेल्प यू इन फाइंडिंग गुड डिवेलपर्स गुड डिज़ाइनर्स गुड सेल्स पीपल राइट Uh, तो यहाँ तक कि 2015 के अंदर मेरे 40 बंदे हो गए 40 पीपल जिसके अंदर uh, और अभी मुझे तरीबा डेढ़ दो साल हुए थे उस टाइम पे एजेंसी क्रिएट किए हुए सो सात आठ सेल्स के बंदे कुछ क्लोजर्स थे कुछ सपोर्ट के बंदे थे uh, कुछ डेवलपर्स थे कोई एच का बंदा था कोई वर्ड का था कोई शॉपिफाई का था उस टाइम पर एंड uh, देन uh, किसी की मार्केटिंग आ गई सो so, इस तरह हमने सेग्रीगेट किया था चालीस के बंदे उस टाइम पर हो गए थे अभी करंटली आपके पास कितने एम्प्लॉज़ और कितने पास? हमारे पास हमारे दो सेगमेंट्स हैं <coughs> उसके टोटल एक सौ तीस इम्प्लॉयज़ हैं hmm. जी अभी मैं yeah. आपके पास आ, इस पर भी आ रहा हूँ कि हुआ क्या था सो so, फिफ्टीन के अंदर हमने द फर्स्ट थिंग विच विच वी डेट के फोर्टीन के अंदर हमने पाकिस्तान में अपनी कंपनी फॉर्म की फिफ्टीन hmm. के अंदर जाके क्यों मेरा भाई यूएस चला गया तो आ, उसको उसके साथ हमने कुछ पार्टनरशिप के भी फॉर्मेशन के अंदर भी लिया है उसे और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हमने के हमने प्रो को रजिस्टर किया न्यूयॉर्क के अंदर जा तो वाज़ अ टाइम के जब हम न्यूयॉर्क की लिस्टिंग्स के अंदर आना शुरू हो गए हम हम क्लाइंट पे को जो है ना बड़ी अच्छी सर्विसेज दिया करते थे Uh, हम, क्योंकि हमारा जो अपना बैकग्राउंड था वो कस्टमर सपोर्ट का था पीछे से टेलिनॉ और, और uh, तो हमारी सपोर्ट बहुत अच्छी थी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी थी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी और फिर हमने डेवलपर्स इन हाउस रखे थे तो हमें रिव्यूज़ बहुत अच्छे आते थे तो हमने 17 एटीन तक जाके मैंने आपको बताया था कि हम लोग न्यूयॉर्क के टॉप रैंक्स में आना शुरू हो गए थे और वो कैसे आते हैं वो मैं अपनी बुक में भी लिखा है कि बेसिकली आपको जैसे ही आप प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ अपने लोकल लिस्टिंग्स की साइट पे लेने पड़ते हैं जब आप ज़्यादा रिव्यूज़ आ जाते हैं आप दूसरी कंपनी से तो आप उस एरिया के अंदर टॉप टेन रैंक्स के अंदर आना शुरू हो जाते हैं दैन वी डिड अनदर अनदर थिंग कि एटीन और नाइन्टीन के अंदर जाके हमने न्यूयॉर्क के अंदर एक्सपोज करनी शुरू कर दी लोकली Nice. हाँ तो लोकली जाके उससे वो जो अक्सर में से लड़के क्वेश्चन करते हैं हाई टिकट क्लाइंट कैसे आएंगे तो हाई टिकट क्लाइंट आने के लिए एक तो आपका ब्रांड बहुत स्ट्रॉग होना चाहिए आप पीछे देखें कि आपके उस टाइम तक हमारे तकरीबन तो एक बंदे के करीब हमारी टीम हो चुकी हुई थी टू थाउजेंड और नाइन्टीन की आपको बात बता रहा हूँ पीछे 110 बंदों की टीम बैठी हुई है आपका जो ब्रांड है वो लोकल लोकली टॉप 10 पे आ रहा है ठीक है आपके प्रोसेसेस बीच में मैंने प्रोसेसेस पे बहुत काम किया जितने भी रिपीटेड चीजें थी मैं पी एस सी टू एस में काम करता था उनके पहले बंदे और पाँच सौ बंदे का कोड एक जैसा होता था तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द कोड हमने किया आ, हर आरकिज़ बनाई हमने स्टेप्स बनाए हर एक के रिपोर्टिंग लाइन बनाई सारी सो so ये एटीन नाइनटीन तक बड़ा अच्छा एक स्ट्रॉग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो चुकी हुई थी जिसमें सारी चीज़ें जैसे जस्ट लाइक अ कॉर्पोरेट चलती हैं हम उस पर काम कर चुके हुए थे तो जब नाइनटीन के अंदर हमने जाके कुछ एक्सपो एटीन नाइनटीन में हमने कुछ एक्सपोज की तो वहाँ पर हमें हाई टिकट क्लाइंट आया उसकी बेस पहले ही बनी हुई थी सो अगर आप कहें कि यार एक बच्चा बच्चे को हाई टिकट क्लाइंट मिल जाए नहीं no. मिलेगा सही बात no. वो स्किल सेट और वो नॉट ओनली द स्किल सेट हाई टिकट क्लाइंट विल एक्सपीरियंस इट्स आप किसको ज़्यादा पैसे देंगे जिस पे आप ट्रस्ट ज्यादा करते हैं जिसका पता है कि यार इसका पीछे बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है तो आप ये कह रहे हैं कि यार आपको कोई लाख डॉलर का प्रोजेक्ट दे दें और एक फ्री को दे दे दैट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल वो प्रॉब्बली किसी ब्रांड को देगा जिसकी पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होगा तो इन ऑर्डर टू हैव हाई टिकट तो आपका जो पीछे जो ब्रांड बिल्डिंग है वो अच्छी होनी चाहिए आपका रिव्यूज़ अच्छे होने चाहिए सो हमें हाई टिकट क्लाइंट मिले एटीन नाइनटीन के अंदर वो इतने हाई टिकट थे कि नाइनटीन के एंड पे वी हैड काउंट ऑफ ऑलमोस्ट थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव जिसप जिसके अंदर ऑलमोस्ट टू हंड्रेड जो थे वो बी पी ओ के रिसोर्सेज थे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जिसमें जो आपके कॉल सेंटर के वो भी हुँ. हमें कुछ प्रोजेक्ट्स मिले उसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के भी प्रोजेक्ट्स मिले तो वी वी ग्रोन ट्रेमेंडसली सो अगर आप बात करें आ, चैनल्स की तो हम मैंने अभी एक्सपो की बात की है मैंने ई मेल मार्केटिंग की आपसे बात की मैंने आपसे अपवक की बात की उस टाइम पर ऑर्डर्स था फिर अपवक पे चेंज हो गया था कोल्ड कॉलिंग कौल की हमने बात की फिर लोकली अगर आपका कोई हिसाब लगता है तो वहाँ पे जाके अपने वीज़ास लेने चाहिए वहाँ पे नॉट ओनली कि आप वहाँ पे जाके पाकिस्तान के बारे में ये कहना शुरू कर दें कि यार पाकिस्तान को तो में तो रहना ही नहीं चाहिए ख़राब है भाई तजारत के लिए तो सब जा सकते हैं वहाँ पर गोवर देर Um, have your presence, get the clients from there, and bring the money back to Pakistan to help Pakistan, right? Mm -hmm. So that's what we did as well. That we log where we go. We set up, we made our office, we made our system, and from there, locally, our contacts also developed. So that was also one of the things we did. Then, then, my LinkedIn profile was strong. So then, we did some LinkedIn automation as well uh, for the lead generation. So if you reverse engineering it, the sales team. strong processes hmm. strong reporting strong exactly. compliance strong uh, profit and loss every month strong reinvesting the profit and loss back to the office B bada offices do teen bade office bana chuke the hum uh, jo aap wali baat hai wo bhi uh, uh, and then uh, uh, जो एक परसेंटेज मॉडल ऑफ द शेयर होल्डर होल्डर्स इट्स सेल्फ के इतने पैसे उनको मिल रहे हैं और बाकी वापस कंपनी के अंदर जा रहे हैं All of these things are extremely important and then one thing which happened even as of today as well resources and that is called employee retention that is only possible when you are at, when when you are you know careful with your employees mm. uh, when when you have a good leadership uh, skills so uh, you have to have very good leadership in order to sustain and carry over your स्मार्ट पीपल ऐसे ठीक है uh, इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा जो आपने कम्प्लीटली बताई है कि uh, ग्रोथ के लिए ऐसा नहीं कि पहले दिन जो प्लान बना लो उसी तरह एग्जीक्यूट होगा आपने साथ साथ चीज़ें देखते गए आपको ग्रोथ माइंड था कि अब इसको अब इसको Uh, मैंने इवेंट्स पे कैसे लेकर जाना है एक्सपोज पे कैसे लेकर जाना है मैंने ईमेल मार्केटिंग कब स्टार्ट करनी है मैंने ये कब करना है उसको ग्रोथ के लिए आप साथ साथ स्टेजेज ऐड करते रहते हो तो वही बात है ग्रोथ माइंड माइंडसेट सेट लीडरशिप ये दो चीज़ें यू हैव टू फोकस फोकस क्या होता है मेरा आपसे क्वेश्चन है वट इज फोकस फोकस मैं अगर उसको डिफाइन करूं तो एक गोल जिसके ऊपर आप अपनी पूरी प्लान करके एग्जीक्यूशन उसके हिसाब से स्टार्ट करते हैं और लेफ़्ट राइट या आगे पीछे या वो नहीं एक चीज़ के ऊपर आप काम करते और एक चीज़ के ऊपर आप आ, मतलब एक गोल के ऊपर आप देख कर उसके ऊपर एग्जीक्यूशन जिस करते चीज़ के ऊपर आपकी जान माल और वक्त लगता है स्पेशली वक्त लगता है सो so, एक गलती हम जो करते हैं <clears throat> वो ये करते हैं कि वी ट्राई टू Create a passive income stream there is no passive income stream in agency quickly ye ये मैं आपको बता It's an extremely active business. It requires time and it requires working closely, being very very focused. टाइम लगाई जाएं इसके ऊपर सोची जाए लगाई जाएँ सोची जाएँ यार ये सिस्टम मैं ले आता हूँ ये मार्केटिंग चैनल मैंने ट्राई नहीं किया मैं इसको ट्राई करता हूँ ये आजकल रिपोर्टिंग के लिए ये चल रहा है मैं इसको ट्राई करता हूँ Uh, मेरे जो रिसोर्स हैं वो uh, भाग रहे हैं जा रहे हैं तो मैं उसको ठीक करता हूँ इमेजिन कि यू आर नॉट स्पेंडिंग एटी टू नाइनटी परसेंट ऑफ द टाइम हेयर यू जस्ट स्पेंडिंग प्रॉबली फोर्टी परसेंट ऑफ द टाइम और थर्टी परसेंट ऑफ़ द टाइम तो होगा क्या कि ये जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको चेक करने के लिए वो आप फॉरगो कर जाएंगे वो आप छोड़ देंगे और जब आप इम्पोटेंट चीज़ों को छोड़ देंगे और आप अपना टाइम जान माल और वक्त कहीं और लगाएंगे तो सिर्फ वो चीज़ डेवलप होगी इसलिए आपने आपको ना आपने बांटना नहीं आपने कहा था कि आपका बेबी कौन सा है तो मेरा जो बेबी है वो एजेंसी है मैं जितने मर्जी बूट कर लूँ मैं जितनी मर्जी पब्लिक स्पीकिंग कर लूँ मेरे मुझे आई नो कि मैंने उसको ट्वेंटी परसेंट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना एटी परसेंट इज़ माई बेबी बिकॉज द डे आई लूज माई फोकस Yes, मैं वा, मेरी वापसी हो जाएगी आई विल स्टॉप मेकिंग मनी एंड आई विल स्टॉप प्रोबली यू नो स्प्रेडिंग द खैर एज वेल ठीक हो गया अच्छा हमें <coughs> मेजरली हमने ई कॉमर्स सॉरी जो आपकी एजेंसी से रिलेटेड चीज़ें थी मेजरली तो कवर कर ली एक एडवाइस आखिर में आपसे <coughs> पूछूंगा कि एक एडवाइस जो आप न्यू फ्रीलांसर्स आ रहे हैं या <coughs> एजेंसी ओनर्स आ रहे हैं और या ई कॉमर्स से लोग आ रहे हैं आप तीनों इंडस्ट्रीज़ में माशा काम कर रहे हैं तो एक एडवाइस जो आप उनको देना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए आई एम श्योर कि आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड है। हैं आप एक्सपर्ट हैं क्योंकि फिलानसर्स मैंने जितने भी देखे हैं या स्मॉल एजेंसी ओनर दे थिंक दे आर वेरी एक्सपर्ट एंड आई हैव नो डाउट अबाउट दैट आई एम श्योर आप मुझे सुन रहे हैं आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं बट द मेजर लैक विच आई हैव सीन इन यू गाइज इज़ द बिजनेस तो आपने आज के बाद एक काम करना है आ, वो ये कि आपने साल के अंदर कोई आठ से दस बिजनेस की किताबें ख़त्म करनी है कोर्सेस नहीं रिपीट द वर्ड किताबें बिजनेस की किताबें और आप कौन सी रिकमेंड करें देर आर लॉड ऑफ बुक्स मेरी एक कम्यूनिटी है दैट्स कॉल सेवन फिगर एजेंसी माइंड सेट बाई हामिद महमूद उसके अंदर ना मैंने फीचर्ड पोस्ट लगाई हुई है कि कौन कौन सी किताबें करनी है पर्सनली आई लाइक ट्रैक्शन गेरेट ग्रिप ऑन योर बिजनेस उसके अंदर पूरी हरारकी दी हुई है जिसमें जॉश की बुक है सेवन फिगर एजेंसी रोड मैप इन आर टन ऑफ अदर बुक्स एज वेल आपने किताबों को पढ़ना है मैं ख़ुद ऐसे लोगों के साथ जो मास्टर माइंडस होते हैं ना जो गोरे होते हैं जो टेन मिलियन डॉलर पे होते हैं उनके साथ मैं रहा हूँ मेरा उनके साथ टाइम लगा हुआ है uh, वो जहाज़ में भी बैठेंगे किताब पढ़ेंगे वो सोने से पहले भी किताब पढ़ेंगे ठीक है तो जो द मोस्ट सक्सेसफुल बिज़नेस पीपल होते हैं वो किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं नॉट ओनली अबाउट योर स्किल अगेन मैं आपके स्किल से इख्तलाफ नहीं कर रहा आपके स्किल बहुत होगा लेकिन आप बिज़नेस को जो है ना प्रॉब्बली आप उसको स्किप कर जाते हैं सो so, ये पढ़नी है दूसरा ये कि अपने इल्म को थोड़ा सा बांटें उससे उससे फ़ायदा क्या होगा आपके बिज़नेस में क्या फ़ायदा होगा कि आपका दिमाग खुलेगा यूल मीट पीपल आपका दिमाग खोलेगा सो so अपने जो पोर्शन का जो अपने टाइम का कोई दस से पंद्रह फ़ीसद जो हिस्सा है वो लोगों के अंदर खैर बांटने में और जो आपका इलम है उसको एटलीस्ट डिग्री ऑफ स्किल उसको बांटें ठीक है और तीसरा ये कि दुनिया की सबसे जो रॉन्ग मिथ है वो ये है कि झूठ बोलेंगे तो आपके यूल मेक मनी या प्रबली उसको डिसीव कर देंगे तो मैं आपको ये बता दूँ कि जब आप लेट्स से आप किसी गोरे के साथ काम कर रहे अगर इफ़ इफ़ यू यू ट्राई टू डिसीव दैट पर्सन तो उसको पता लग जाता है hmm. गोरों की सिर्फ नेचर होती है कि शायद आपको बताएंगे नहीं वो hmm. uh, कभी भी आपने कोशिश नहीं करनी कि किसी को धोखा देना है और आप आपके ऊपर एक बहुत बड़ा लेबल लिखा हुआ है क्योंकि आ, मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ आपके आपके सेशन में तो प्रॉबली आए एजूम के नाइन्टी फाइव परसेंट से नाइन्टी एट परसेंट पाकिस्तानी होंगे मुसलमान होंगे बहुत बड़ा लेबल आप पे पाकिस्तानी का लिखा हुआ है बहुत बड़ा लेबल आप पे मुसलमान का लिखा हुआ है तो किसी से ट्रांजेक्ट करने से पहले इसको सोच लेना है कि आप अपने आप को नहीं आप पाकिस्तानियों को और इस्लाम की तस्दील कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात ठीक हो गया थैंक यू सो मच सर आपने टाइम दिया और एजेंसी ऑनर्स के लिए न्यू स्टार्टअप्स के लिए न्यू कॉमर्स ऑनर्स के लिए तो एक बड़ी अच्छी पॉडकास्ट होगी इनशाला अब आपके साथ तो इवेंट्स होते रहेंगे आपकी मास्टर क्लासेस होती रहेंगी एक इनशा मास्टर क्लास में और आप मिलकर एक आ, करेंगे कॉमर्स sure. से रिलेटेड बच्चे sure. और आपके जो क्या कहते हैं इसको एजेंसी से रिलेटेड hmm. एक मिलके एक, एक इवेंट करते हैं इनशाला लाहौर में मिलकर अच्छा सा तो थैंक यू सो मच सर थैंक यू